प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना लेक्चर 28 में एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन करेंगे। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो इसमें आपने जो एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 यानी कि हमारे लेक्चर 26 में और लेक्चर 27 में जो फॉर्मूले किए थे उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। बस अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जो स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप सोल्व कर पाए, इसके लिए आपको कि जो अंडरस्टैंडिंग है स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है आपको कि स्टेटमेंट में पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है तो बेहद ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, जो एबीसीडी है, ये जो एबीसीडी है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, और एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। एबीसी और एपीडी और बीपीसी ये दो अर्धवृत्त है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसमें जो छायांकित भाग है वो कौन सा है ये हम देख लेते हैं एक बार। इसमें जो छायांकित भाग है इसकी बात कर रहे हैं, वो इस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यहां पे और यहां पे। अब आप देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। तो जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये सारा क्षेत्रफल आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और पूरे उस वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको और इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और फिर वर्ग के क्षेत्र में से फिर क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, वर्ग की जो भुजा है वो है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग है जो हमारे पास ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है हमारे पास भुजा गुणा में भुजा, यानी कि 14 गुणा में 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब देखो ये जो अर्धवृत्त है, अगर हम इसको पूरा करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा ये। तो इस अर्धवृत्त में ये व्यास हो गया, अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर का वर्ग कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त कौन सा अर्धवृत्त का निकाल लेते हैं, पहले हम एपीडी, एपीडी का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और उसका आधा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 22/7 आर 7 × 7, 1 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 1177 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों आपस में बराबर ही तो है, इसी तरह से अर्धवृत्त दूसरा कौन सा है, बीपीसी का क्षेत्रफल, यह भी इतना ही होगा इस हिसाब से, तो यह भी हमारे पास 77 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों को जोड़ देंगे
डबल सेंटीमीटर। आप इसके लिए इन दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ये भी कर सकते थे, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक आता ये आता ये पूरा एक वृत्त हो गया, इसको उठा के यहां रखेंगे तो पूरा वृत्त नहीं बन जाएगा, ये वाला उठा के इस जगह पर रख दिया तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22 बटे 7 गुना में 7 गुना में 7, एक साथ कट गया 14 और एक 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। आपकी मर्जी दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बनेगा, वो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो ये कितना था हमारे पास 196 माइनस ये कितना आ गया था 154, 6 में से 4 2 और ये 4 आ गया, 19 में से 15 4 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और सिर्फ हमें क्या करना है, देखो कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं आया हमारे पास, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसी तरह का एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज 12 सेंटीमीटर ओ ए बी यानी कि ओ ए बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जितना भी भाग हमें नजर आ रहा है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब हमारे पास एक तो क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है समबाहु, समबाहु त्रिभुज की भुजा वह है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और जो त्रिज्या है वृत्त की वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। दूसरा हमारे पास वृत्त की त्रिज्या या वृत्तीय चाप जो लगाइए उसके लिए जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या, त्रिज्या वह हमारे पास 6 सेंटीमीटर, आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, भुजा के लिए हम ए लेते हैं तो ए बराबर है 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमें सारे जितना भी छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एक तो समबाहु त्रिभुज है तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, समबाहु त्रिभुज कौन सी है ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है वर्गमूल 3 बटे में 4 ए स्क्वायर, तो वर्गमूल 3 बटे में 4 गुना 12 गुना में 12, तो 4 की 12 आ गया 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक इसी तरह से वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 22 बटे 7 गुना में 6 गुना में 6, इसको हल करेंगे क्योंकि कैंसिल तो कुछ होता नहीं है, तो 22 बटे 7 हम इसको 3.14 लिख लें अगर, और ये 6 गुना में 6 36 हो जाएगा, 3.14 और 36 अगर हम इसे करेंगे और हम इसको अगर सॉल्व करें 42 9 तो ये आ जाएगा हमारे पास 4
दस जीरो, तीन और ये ग्यारह, दो के बाद यानी कि आ गया 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी अगर हम कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 × 1.73, तो 173 36 के साथ हम कर लेते हैं 18 8 42 और 41 3 4 10 और ये 9 51 8 12 2 2 और ये 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप एक बात ध्यान से देखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल ये सारा हो गया, तो इसमें ये जो जगह है, ये जो जगह आ रही है, ये दो बार आ गया, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी आ गया और ये वृत्त के क्षेत्रफल में भी आ गया, लेकिन लेना तो एक ही बार था तो हमें ये क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो क्षेत्रफल है ये त्रिज्या घन का क्षेत्रफल है, इसका नाम देते हैं ए पी क्यू, तो ये क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों को जोड़ के उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं त्रिज्या घन का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्या घन कौन सा ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिज्यागण का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। अब देखो 22 बटे में 7 आर त्रिज्या 6 × 6 × थीटा, अब देखो संभाव त्रिभुज है तो सारे कोण बराबर है, सारे कोण 60 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, तो 60 बटे में 360, तो यहां से हमारे पास एक तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 और एक ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 2 132/7, तो इसको अगर हम लिखें 7 6 7 8 56 6 7 8 56 और 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये त्रिज्या का क्षेत्रफल आ गया। तो अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्र, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड कौन सा ओ पी क्या हो का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे हम इसको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हमारे पास 62.28 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल आया हमारे पास 113.04 माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया हमारे पास 18.85। तो हम क्या करेंगे 113.04 में 62.28 प्लस कर देते हैं 12 2 3 5 7 और ये 1 और उसमें 18.85 माइनस कर देते हैं 12 में से 5 7 फिर ये 12 रहेंगे 2 तो 12 में से 8 4 14 में से 8 6 6 में से 5 और ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 156.47 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको ये समझना है आपको क्या पता होना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, क्या संभावित त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले आ चुके हैं हमारे पास दोनों ही एक्सरसाइज में 12.1 में भी 12.2 में भी, तो नई बात क्या है जब हमने इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल जोड़ा तो ये जगह दो बार जुड़ गई, एक बार
तो इसका इसको हमें माइनस करना पड़ेगा एक बार। ये हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का हमें पता है, लेकिन थीटा आपको फिर सोचना पड़ेगा क्योंकि थीटा तो दिया नहीं हुआ। तो थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में थीटा का मान कितना होता है 60 डिग्री। तो उसके लिए फिर हमने इसको सोल्व किया। तो ये था हमारा लेक्चर 28। थैंक यू वेरी मच।